Redmi Note 5 Pro के लिए Cherish OS का ऑफिशियल बिल्ड आया 5.0 का, जो कि Android 14 पे बेस्ड है और ये फर्स्ट बिल्ड है Android 14 का Cherish OS की तरफ से। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कुछ मिलता है। कस्टमाइजेशन उसे काफ़ी कुछ ऐड किया गया, आगे और भी ऐड चीज़ें ऐड होंगी, और जैसे कि अभी कुछ बग भी देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। और ये जो है डायनेमिक पार्टीशन बिल्ड है, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, वही इंस्टॉलेशन आपको फॉलो करना है और रिकमेंडेड रिकवरी भी यूज करना है। बाय डिफॉल्ट वैसे ये डिक्रिप्टेड आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हो, देखते हैं क्या कुछ कंप्लीट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे कि अबाउट फोन कुछ इस तरीके का है, काफ़ी दूसरी रोम्स में कुछ में सिमिलर सा स्टाइल देखने को मिला अबाउट फोन का। एंड्रॉयड वर्जन में जाओगे Cherish OS मिलता है, Cherish OS वर्जन 5.0 है, ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच 1 नवंबर 2023 का मिलता है और कर्नल इसके अंदर में हमें यहाँ पे जो है पर्फ वाला मिल जाता है 4.19 बेस। सेलेनेक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग है और एनिमेशन के मामले में हल्के फुल्के जिटर हैं, बिल्कुल हैवी खतरनाक तो नहीं है लेकिन नॉर्मल में थोड़ा बहुत लैग मिल रहा है। क्लिकेबल टाइम रहेगा, डाटा यूजेस मिल जाता है, इंटरनेट टाइल पे हॉटस्पॉट है, एडवांस रिस्टार्ट भी आपको मिल जाएगा रिस्टार्ट बटन पे। और एडिट में जाओगे तो टाइल्स भी उसे काफ़ी हमें देखने के यहाँ पे मिल जा रहे हैं, सेपरेट टाइल भी है वाईफाई मोबाइल डाटा का, तो टाइल्स भी यहाँ पे काफ़ी मिलने वाले हैं, टाइल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स भी लेटेस्ट ही है, ऊपर आपको इंटायर स्क्रीन या फिर सिंगल ऐप रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कैसा रहेगा उसकी अगर बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ काफ़ी खतरनाक लैग होता है। ऐप ओपनिंग ही आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी स्लो और काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है, और क्यूएस पैनल भी आप देख सकते हो काफ़ी जिटरी लैग पूरा है इसके अंदर में। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लैग हैवी है बट नॉर्मल में ठीक रहता है, नॉर्मल है उतना ज़्यादा हैवी नहीं है। एंड वॉल्यूम पैनल यहाँ पे इसके अंदर एक्सपेंड हो जाता है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन की बात करें नॉर्मल में, तो नॉर्मल में ऐप ओपनिंग एनिमेशन थोड़ा डिले ज़रूर रहता है बट एनिमेशन में ऐसा कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है, थोड़े बहुत हैवी एप्लीकेशन पर जिटर मिल सकता है बट ज़्यादातर आपके अच्छे एनिमेशन रहेंगे। रीसेंट के अंदर नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन काम कर रहा है, स्क्रीनशॉट पे डिलीट लेंस मिल जाएगा, आइकन पे टैप करोगे स्प्लिट स्क्रीन फ्री फॉर्म विंडो मिल जाता है, ये चीज़ें रहेंगी। और अगर बात करते हैं हम यहाँ पे कैमरे के बारे में, तो कैमरा गो मिलता है, अपर्चर का कैमरा प्री इंस्टॉल मिलता है, तो दो कैमरे प्री इंस्टॉल हैं। एंड जीके मैनुअली आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, तो 8.1 इंस्टॉल करना, अच्छे से वीडियो रिकॉर्डिंग पिक्चर क्लिक आराम से कर पाओगे। और यहाँ पे FM है जो कि काम कर रहा है। गूगल फोटो के अंदर वैसे आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर नॉट सर्टिफाइड है, जो कि गूगल की तरह से ही अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी सारे रोम्स में दिक्कत है, तो इसका फिक्स का भी तो पता है पर एक वीडियो जल्द मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ, एंड बाकी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा उसे फिक्स करने का। एंड यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल ये जो है यहाँ पे हमें मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे वॉलपेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। एंड वॉलपेपर एंड बेसिक कलर ये सब चीज़ें आपको अदर कलर यानी कि मिल जाएगा, जिसमें आपको कलर्स का ऑप्शन काफ़ी मिलते हैं। थीम आइकन है, ऐप ग्रिड मिल जाएगा थोड़े से, और लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन का क्लॉक साइज एंड साइज तो मिलता है क्लॉक का आपका यहाँ पे, एंड कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। डायनेमिक पे आपके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है क्लॉक का साइज, बट यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन है ये अभी क्रश कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना होगा कुछ अपडेट का, उसके बाद फिक्स हो जाएगा ये भी यहाँ पे, जैसे कि अभी देख सकते हो ये क्रश कर रहा है। एंड यहीं पे नीचे जो है हमें देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर पाओगे लॉक स्क्रीन का, मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग है, अमिन म्यूजिक टीकर है, वैक्सीन फोन नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, बाकी लॉन्चर इसके अंदर आपको अभी फिलहाल पिक्सल लॉन्चर मिलता है। कॉलिंग की अगर बात करें तो कॉलिंग के अंदर उसे कैरियर वीडियो कॉल का बग मिलेगा, वाईफाई कॉलिंग का बग मिल जाता है, एंड जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसका वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड कॉल रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे वर्किंग तो मिलता है बट अलर्ट कर देता है कॉल रिकॉर्डिंग में, और ब्लूटूथ डिवाइस लेकिन आपका मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 79% बैटरी मिली है, जो कि 4.19 बेस वाले कर्नल में देखोगे ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। एंड चार्जिंग टाइम देखोगे 64% चार्ज करने में 1 आवर 26 मिनट का टाइम लगा, वहीं 1% चार्ज करने में 12 मिनट का और 35 मिनट लगे हैं 5% चार्ज करने में लास्ट के। एंड बैटरी ड्रेन ऐसा कुछ हुआ नहीं फिलहाल, तो नॉर्मली अगर होता है 1-2% का देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ खास ऐसा दिक्कत नहीं है।
और जैसा कि एंड्रॉयड 14 के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काम कर रहा है, बट इसके अंदर यहाँ पे जो है वर्किंग नहीं है, तभी इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। मे भी आगे के अपडेट्स में काम करने लग जाए, और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लेकर के अभी भी इशू हैं जो कि काम नहीं करते। और साथ साथ आपको जैसे कि किसी भी ऐप के अंदर आप फोटो का एंड वीडियो का परमिशन देना चाहते हो तो सिंगल या मल्टीपल सेलेक्ट करके दे सकते हो, पूरा गैलरी देने की जरूरत नहीं है, तो चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर। बाकी यहाँ पर सेटिंग्स का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का है, उसे ऊपर सर्च आ जाता है। बाकी अगर इमेज पे क्लिक करते हो तो वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर ले जाता है, और उसी के साइड में जो आइकन सा बना हुआ है उस पर अगर क्लिक करते हो तो आपको ये मल्टीपल यूज़र के अंदर ले जाता है। बाकी यहाँ शॉर्टकट्स है बैटरी का, स्टोरेज का, सर्च का और सिस्टम का मिल जाता है। तो बैटरी से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बैटरी के अंदर यहाँ पे जो है आपको रीसेट स्टैट्स ऊपर मिल जाएगा, बैटरी यूजर्स जो कि पिक्सल ही रहेगा, बैटरी सेवर मिल जाएगा, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, बैटरी टेम्परेचर मिल जाएगा, बैटरी विजेट्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अब हम चलते हैं इसके सिस्टम की तरफ। तो सिस्टम के अंदर हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो है लैंग्वेज के अंदर चल के आपको दिखा दूँ ऐप लैंग्वेज। तो ये फिलहाल अभी जो है ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि सपोर्टेड मिल जाते हैं। ओरिजिनल प्रेफरेंसेस भी है जिसमें टेम्परेचर या फिर फर्स्ट डे ऑफ वीक का यहाँ पे चेंज आप कर पाओगे, तो ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और यहीं पे नेविगेशन मोड है जिसके अंदर यहाँ पे आपको जो है जेस्चर या फिर बटन मिल जाएगा। तो जेस्चर में पिल लेंथ है, पिल रेडियस है, बैक जेस्चर हाइट है, बैक जेस्चर एनिमेशन, बैक जेस्चर हैप्टिक है, और यहाँ पे हाइड जेस्चर बार मिल जाता है। और ऊपर आपको आईमी बटन के लिए मिल जाएगा जो कि आईमी स्पेस है, जिससे कीबोर्ड के नीचे का जो स्पेस है उसको आप हाइड कर पाओगे। और अगर आप बटन यूज़ करते हो इसके अंदर में तो बटन पे आपको जो है होम बटन पे जो है पिक्सल एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि बटन और जेस्चर अच्छे से काम कर रहे हैं, इनमें दिक्कत नहीं है, तो आप जो भी यूज़ करते हो यहाँ पे बटन या जेस्चर आप यहाँ से यूज़ कर लेना। फिलहाल ये वर्किंग है अच्छी तरीके से। और फिर बाहर में यहाँ पे हमें जेस्चर मिलता है, यहाँ पे भी बच्चे इसमें क्विक टैप यानी कि बैक टैप वाला जेस्चर मिलता है जो कि प्रॉपर तो काम नहीं करता बट काम कर जाएगा। N100 मोड है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिल जाएगा, डबल टैप चेक फोन है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट एंड रिंगिंग मिलता है। बाहर फिर यहाँ पे अपडेटर दिया हुआ है, ये मिल जाएगा। और नीचे में फिर यहाँ पे डिवाइस सेटिंग्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपका MI साउंड सेंसर है काम कर रहा है, एंड थर्मल प्रोफाइल, क्लियर स्पीकर, ये सारी चीज़ें देखने की यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अब हम चलते हैं चेरी सेटिंग्स की तरफ। तो स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड चिप मिल जाता है क्लॉक के लिए, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर है, एंड बैटरी आइकन स्टाइल है जिसमें काफ़ी सारी बैटरी स्टाइल मिलती हैं, और QoS पैनल के लिए भी बैटरी स्टाइल मिल जाता है यहाँ पे। और नीचे फिर यहाँ पे क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स है, स्टेटस बार आइकन्स देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड ये है क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स। सो डाटा डिसेबल आइकन है, एंड यहाँ पे वो वाईफाई आइकन का दिया गया, बट इसको ऑफ करोगे तो वोल्टी आइकन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो वोल्टी आइकन के भी स्टाइल काफ़ी मिल जाएंगे। नीचे रोमिंग इंडिकेटर है, ब्राइटनेस कंट्रोल है जिससे स्टेटस बार पे डायरेक्ट स्लाइड करके ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाओगे। माइक एंड कैमरा, लोकेशन, मीडिया, इन सब के प्राइवेसी इंडिकेटर दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए। नोटिफिकेशन काउंट है, कलर आइकन है, एंड डबल टैप स्लीप मिल जाता है स्टेटस बार के लिए। बाकी क्विक सेटिंग्स के अंदर क्लॉक फॉन्ट साइज है, डेट है, QoS ट्रांसपेरेंसी है, क्विक पुल डाउन है, वर्टिकल लेआउट यानी कि टाइल लेआउट का आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाता है इसके अंदर में पूरा। और फिर नीचे आता है हमारा QoS हेडर इमेज जिसमें 75 हेडर इमेज देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से स्लाइड करके आप चेंज कर पाओगे। नीचे फिर ब्राइटनेस स्लाइड की सेटिंग्स है, डाटा यूजेस मिल जाता है। थीम के अंदर में आपको यहाँ पे डार्क थीम देखने को मिलता है, इसके अंदर अभी प्योर ब्लैक का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी QoS पैनल स्टाइल के अंदर यहाँ पे जो है आप इसको चेंज कर पाओगे, साइबर पंक का ये चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स ये मिल जाएगा, आइकन पैक काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, आइकन शेप ये भी हमें देखने को मिल जाएगा, हालांकि डाटा आइकन स्टाइल ज़्यादा नहीं मिलता, बाकी सिग्नल आइकन स्टाइल ये काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। और इसी के नीचे फिर हमें मिलता है यहाँ पे वॉल्यूम पैनल स्टाइल जिसमें आप अलग अलग यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल वॉल्यूम का वो चेंज कर पाओगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे अभी चेंज हो चुका है तो कुछ इस तरीके के देखोगे तो यहाँ पे अलग थीम टाइप का थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको मिल जाएगा। नीचे फिर आता है यहाँ पे लास्ट में वाईफाई आइकन स्टाइल चेंज करने के लिए, तो इसमें भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। बटन के अंदर लेआउट चेंज करने के लिए है, एंड कॉल है, वॉल्यूम बटन से रिलेटेड ऑप्शन है, सॉफ्ट वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट कर पाओगे, रीओरियंट है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। एंड एनिमेशन फिलहाल अभी खाली रहता है। एंड लॉकिंग के अंदर पल्स है, अम्बिन म्यूजिक टीकर है, डबल टैप स्लीप लॉकिंग के लिए है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन है, चार्जिंग इन्फो मिल जाएगा। और पावर मेन्यू के अंदर टॉगल टॉर्च है, पावर मेन्यू की सेटिंग से इसी में एडवांस रिस्टार्ट जो कि ऑफ रहता है तो इनेबल कर लेना इसको। और नोटिफिकेशन के अंदर हेडसअप नोटिफिकेशन है, मैक हेडसअप लेस अनोइंग है, किले बटन है, रीटीकर है जिससे नोटिफिकेशन रीडिजाइन हो जाता है और स्लिम मिलता है, इनकॉल वाइब्रेशन मिल जाता है। और मिसलेनियस के अंदर में बैकअप ऑन चार्ज है, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज है, क्लिक टू पर्सन स्क्रीनशॉट है, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है जिससे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट सभी ऐप्स आप रिमूव कर सकते हो। तो ये सब आपको यहाँ पे फिलहाल इसके कस्टमाइजेशन सेक्शन में पूरा मिल जाता है चेरी सेटिंग्स के में। एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाते हैं यहाँ पे सिम में, तो सिम के अंदर उसे प्रेफर्ड नेटवर्क की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर आपको प्रेफर्ड नेटवर्क जो है देखने को काफ़ी सारे मिल जाते हैं,
और हॉटस्पॉट अगर आप यूज़ करना चाहो तो हॉटस्पॉट भी यूज़ कर पाओगे, इसको लेकर के भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉटस्पॉट भी आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है। और फिर आता है प्राइवेट DNS, जो कि कुछ यहाँ पे प्राइवेट DNS दिए गए हैं। और कनेक्टेड डिवाइसेस की बात करें तो ब्लूटूथ टाइम आउट है, वाईफाई के अंदर भी टाइम आउट आपको इस तरीके का मिलेगा। और अगर आप कास्ट यूज़ करते हो तो यहाँ पे यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ये काम कर रहा है। एंड ऐप्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसका असिस्टेंट, जो कि ओके गूगल यानी कि इसके अंदर काम कर रहा है। और यहीं पर जस्ट ऊपर में आपको जो है गेम स्पेस भी देखने को मिल जाता है। और गेम स्पेस के अंदर यहाँ पर सेटिंग जो इंटरफेस इसका आगे आपको दिखा दूंगा, सेटिंग नॉर्मली जो सभी में होता है वही आपको मिलता है। एंड यहाँ पे क्लोन्ड ऐप भी दिया गया, जो कि कुछ एप्लीकेशन पे यहाँ पे इतने एप्लीकेशन पे ये सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस पे क्लिक करके क्रिएट करके यूज़ कर पाओगे। यहीं पे डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है तो यहीं से डिलीट भी आप कर पाओगे। तो ये आपका बिल्कुल वर्किंग है क्लोन्ड ऐप भी। और लॉन्चर जैसे कि आपको बताया इसके अंदर पहले ही कि पिक्सल लॉन्चर मिलता है। और नोटिफिकेशन के अंदर जाता है तो फिर नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे फ्लश नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपका स्क्रीन पे फ्लश होगा कलर, या पे बैक फ्लश लाइट जो कैमरे का उसको आप फ्लश कर पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और इसे नोटिफिकेशन लाइट तो आपका काम करेगा इसके अंदर में, बट एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर आप चार्जिंग करते हो तो उस टाइम लाइट चार्जिंग जो लाइट है वो काम नहीं करता इसके अंदर, वो वर्क नहीं करता, वो काम नहीं करेगा। लेकिन नोटिफिकेशन लाइट वर्किंग रहेगा लेकिन चार्जिंग लाइट काम नहीं करता, तो उसका एक बग रहेगा। फिर यहाँ पे चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर जो है मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगाने के लिए मिल जाता है, मीडिया लेटेस्ट है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक मिल जाता है जो कि काम कर रहा है, पर वॉल्यूम कंट्रोल है। क्लियर कॉलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर में, जो कि वाईफाई या डाटा कोई भी आपका ऑन होना चाहिए उसी के थ्रू जो है ये आपका यहाँ पे काम करता है, ये क्लियर करेगा कॉलिंग क्वालिटी जो है थोड़ी सी या साउंड को। बाकी फिर इसके अंदर आता है यहाँ पे आपका टैप एंड क्लिक साउंड, ये सब रहेगा। डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम रहेगा, एंड आपका जो हो गया नाइट लाइट लाइव डिस्प्ले हो गया। रोटेशन मोड्स इसके अंदर नहीं मिलते अभी फिलहाल। एंड डिस्प्ले वाइड बैलेंस के लिए दिया गया है, साथ साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर मोड आपको मिल जाता है अगर आप टेम्पर्ड ग्लास कुछ भी यूज़ करो तो, जो टच सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा इंप्रूव करता है। टैप टू बैक है, डेंटल बैकअप है, और अम्बिन डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आता है अभी हमारा एसएलबीटी, जो कि यहाँ पे आपका ये सारे ऑप्शंस रहेंगे। सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। रोम ये उसे जो है बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड आता है, इनक्रिप्टेड नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये डिक्रिप्टेड आता है। और सेटिंग में जाओगे तो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट का जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। पैटर्न साइज जो है इसके अंदर मिलता है, मैं यहाँ पे पिन ऐड करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऐड करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट अच्छे तरीके से काम करे, थोड़ा सा डिले सा लग रहा है जैसे कि देख सकते हो, टैप करो और आप जाके ये अनलॉक हो रहा है, तो हल्का सा कुछ सेकंड का यहाँ पे, एक सेकंड करीब का यहाँ पे डिले है। और फेस अनलॉक की अगर बात करें, फेस अनलॉक काम कर रहा है, बट आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, फेस अनलॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है फेस अनलॉक हमारा काम कर रहा है, थोड़ा ये भी डिले सा है, बट यहाँ पे फेस अनलॉक के लिए आपको जो है एक बार डिवाइस रिबूट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा जब भी आप ऐड करते हो। बाकी ये सेटिंग जो है नॉर्मली आपको यहाँ पे जो बाकी मिलती है उसी तरीके से मिल जाती है, जिसमें स्क्रैम्बल लेआउट से आपका नंबर लेआउट जो है चेंज होता है। और एंड्रॉयड 14 के अंदर जैसे कि न्यू एनिमेशन मिलता है ऊपर, जब भी हम टैप करते हैं नंबर तो वहाँ पे ऊपर आपको एनिमेशन न्यू मिल जाता है, तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। और जो आपको बताया फेस अनलॉक के लिए कि फेस अनलॉक फर्स्ट टाइम जब ऐड करो तो एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेना, तभी आपका फेस अनलॉक काम करेगा, अगर नहीं करोगे तो अनलॉक नहीं होगा उससे। एंड नीचे फिर यहाँ पे सिस्टम ये सब ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तब हम बात करते हैं इसके एंटूटो स्कोर के बारे में, तो 207,436 हमें इसके अंदर ये एंटूटो स्कोर मिला है। एंड CPU थ्रोलेट इसके अंदर में हमें 92% मिला है, और जीप स्कोर मैक्स पे 1,48,000 है, एवरेज स्कोर में 1,41,000 देखने को मिला है। वहीं गीकबेंच स्कोर में देखोगे तो सिंगल 301 है, मल्टी के अंदर 1,096 हमें यहाँ पे देखने को मिला है इसके अंदर में। और अब बात करें यहाँ पे थोड़ा सा बूट एनिमेशन के बारे में, तो बूट एनिमेशन जैसे पहले मिला करता था उसी टाइप से, कुछ अलग यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो उसी टाइप का बूट एनिमेशन रहेगा। और जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया डायनेमिक पार्टीशन रोम है ये, तो डिस्क्रिप्शन पर इंस्टॉलेशन देख लेना, रिकमेंडेड रिकवरी ही यूज़ करनी है। और इसके अंदर जब मैं यहाँ पे बेजमाई ओपन कर रहा था तो ये 2-3 बार जब ओपन करके देखा, लेकिन यही सेम इस तरीके से दिखा रहा था, बार बार क्लोज करने का वेट करने का था, जो नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसा कुछ आने लग जाता है, वो चीज़ें देखने को मिली थी 2-3 बार। फिर क्लोज ऐप करके जब रिस्टार्ट करके डिवाइस ओपन किया तब सही हो गया, तो उसके बाद फिर एक भी बार मुझे देखने को ऐसे नहीं मिला था, बट स्टार्टिंग में 2-3 बार मिला था एंड बाद में ठीक हो गया था ये, तो कोई दिक्कत फिर नहीं आई थी। एंड अब यहाँ पे अगर बात करें गेम स्पेस के बारे में, तो इंटरफेस कुछ इस तरीके इसका रहेगा। मोड ऐप पेस इन्फो स्टे बैक है, नोटिफिकेशन मोड के लिए मिल जाएगा, रैम अवेलेबल जो कि यूजर्स जो है वो सब आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ग्राफिक में स्मूथ पे मीडियम है, बैलेंस पे मीडियम है, इससे ज़्यादा ग्राफिक अनलॉक नहीं है, तो स्मूथ एंड मीडियम पे मैं यहाँ पे खेलूंगा। अब यहाँ पे इतना ग्राफिक अनलॉक है तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली इसके अंदर में, कि बिल्कुल भी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस तो नहीं है,
और FPS आपका जो है वही 20 FPS पे, 25 FPS से ज़्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि स्मूथ एंड मीडियम पे आपका 25 FPS पे चलता है, तो इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाने वाला। तो गेमिंग परफॉर्मेंस का तो यहाँ पे फिलहाल भूल जाओ डिफ़ॉल्ट कर्नल के साथ में। और नॉर्मली अगर डेली लाइफ यूज़ भी अगर करने का सोच रहे हो तो अभी मेरे हिसाब से रुक जाओ, अभी एंड्रॉयड 13 के ही रोम्स यूज़ करो, जैसे कि और आपका राइजिंग OS हो गया, 1.4 का हो गया, स्पार्क के आया हुआ है एक स्पार्क OS का, ये सब आप ट्राई कर सकते हो, सब अच्छे आपको रोम्स मिल जाते हैं, UI भी थोड़ी अच्छी है उनके अंदर में और गेमिंग भी थोड़ी अच्छी मिल जाती है। बट एंड्रॉयड 14 के लिए अभी डेली लाइफ के लिए मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, और क्योंकि आगे अभी आपको जो है अपडेट्स देखने को मिलेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, बट अभी स्टार्टिंग में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लेके बग, जैसे कि और बाहर डेली लाइफ अगर यूज़ कर तो सोशल मीडिया इन सब में भी आपको बग देखने को मिलेगा डेली लाइफ यूजर्स पे, इसलिए मेरे हिसाब से आप वेट करो अभी फिलहाल, आगे जो भी चेंजेस रहेंगे मैं आपको बता ही दूंगा। तो यही था आज की इस वीडियो में, एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।